now to start with the dowsing, it is really very important to empty your mind. आपके मन को, आपके दिमाग को खाली करना या न्यूट्रलाइज करना काफी महत्वपूर्ण है. तो उसके लिए आप स्टार्टिंग में, बिफोर स्टार्टिंग द डाउजिंग, यू कैन ट्राई द ध्यानी मुद्रा. ध्यानी मुद्रा करना काफी आसान है. यू हैव टू सिट इन पद्मासन और सुखासन और वज्रासन, या आप नॉर्मल कुर्सी पे भी बैठ सकते हो. एंड यू हैव टू जस्ट रिलैक्स योर बॉडी. आपको आपका राइट हैंड लेना है, ऐसे रखना है, उसके ऊपर आपका लेफ्ट हैंड रखना है और थम्स को ज्वाइन करना है. एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. जस्ट फोकस. इनहेल एक्सहेल, जैसे आप ये मुद्रा करोगे आपका ब्रीदिंग खुद ब खुद डीपर होते जाएगा. और इसी के साथ ही, इसी के बाद आपको भ्रामरी क्रिया करना है. भ्रामरी क्रिया इज वेरी इजी. भ्रामरी क्रिया में आपको भूंगा जो रहता है, मधुमक्खी का जो भूंगा रहता है, उसकी तरह से आपको आवाज निकालना है, भंवरे का आवाज निकालना है. भंवरा कैसे करता रहता है, वैसे आपको आवाज निकालना है. सो आपको ओम नहीं बोलना है, आपको भंवरे के जैसे आवाज निकालना है. सो यू हैव टू डू द ध्यानी मुद्रा. फर्स्ट टेक 5 डीप ब्रीथ्स. इनहेल एक्सहेल, ऐसे 5 बार आपको करना है. फिर बाद में आपको भंवरे के जैसे आवाज निकालना है. सो सिंपल लाइक दैट. इनहेल एंड भ्रामरी क्रिया का महत्व यह है, इट्स सेड कि हमारा जो मन रहता है वो भंवरे की तरह इधर उधर घूमता रहता है, मंकी माइंड रहता है. जो भंवरा रहता है वो कैसे एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर, दूसरे फूल से तीसरे फूल के ऊपर ऐसे घूमता रहता है, वैसे हमारा मन एक थॉट से ऊपर, एक थॉट से दूसरे थॉट के ऊपर, दूसरे थॉट के तीसरे थॉट के ऊपर ऐसे घूमता रहता है. इट्स जस्ट गोज ऑन वेवरिंग. सो उसको एम्प्टी करने के लिए ये ध्यानी मुद्रा है. और भ्रामरी करने से आपका मन शांत हो जाएगा और इट विल कम टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट विल सेंटर योरसेल्फ. ये भ्रामरी क्रिया हम लोग डाउजिंग से पहले कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग से पहले कर सकते हैं, रून रीडिंग के पहले कर सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स हैं वो भी ये भ्रामरी क्रिया स्टडीज के पहले कर सकते हैं. सो देयर माइंड इज टोटली क्लियर ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस. कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है उनके माइंड में, कोई भी विचार नहीं आएंगे उनके माइंड में. एंड दे विल लाइक एबल टू कॉन्सेंट्रेट, एबल टू डू द स्टडीज वेल. सो ये भ्रामरी क्रिया करना काफी इंपॉर्टेंट है बिफोर डूइंग एनीथिंग, टू एम्प्टी योर माइंड, टू रिलैक्स योर माइंड. ये भ्रामरी क्रिया आप कीजिए. इसका क्या इफेक्ट मिला आपको ये ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए मेरे साथ, सबके साथ. सो डू ट्राई दिस भ्रामरी मुद्रा फर्स्ट बिफोर डाउजिंग ऑल्सो. थैंक यू.